Hello friends, I hope you all are doing great. So today we will discuss Malthusian theory of population. So let's get started. Firstly, about the historical background of this theory, ki kya aaya is theory mein, kisne किसके बारे में, किस चीज के बारे में बात करी एंड सो ऑन. सो फर्स्टली द माल्थूशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन वॉज प्रपोज बाय थॉमस रॉबर्ट माल्थस. ये नाम है जिसने जिसके ऊपर माल्थूशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन का नाम पड़ा. एंड ये आई थी 1798 में, तो आपको सन भी पता होना चाहिए और पूरा नाम थॉमस रॉबर्ट माल्थस उसने प्रपोंड की थी. सेकेंडली माल्थस रिफ्यूटेड His father's perception. His father Godwin. Malthus के father थे Godwin. उनका ये कहना था that a perfect state can be achieved if human restraints are removed. वो कहते थे अगर humans के जो restraints होती हैं वो अगर हम हटा दें, मतलब इनका कहना ये था कि human को रोका ना जाए, मतलब they are in favor of increase in population. उनके फादर कहते थे कि अगर परफेक्ट स्टेट अचीव करनी है तो ह्यूमन जो ये बाधाएं लाते हैं अपने बीच में पॉपुलेशन कम करने के लिए वो नहीं होनी चाहिए. बट माल्थस ऑन द अदर हैंड अपने फादर के परसेप्शन से कंप्लीटली अपोजिट था. वो कैसे? माल्थस का आइडिया था दैट द राइजिंग प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन On food supply would lead the state to deviate from perfection. उनका कहना ये था कि अगर population इसी speed से बढ़ती रही तो वो food supply के ऊपर ज़्यादा pressure create करेगी और हम perfect state पे नहीं पहुँच पाएंगे. अगर population की जो increasing ratio है, इंक्रीजिंग परसेंटेज है, अगर वो इसी तेजी से बढ़ती रही तो फूड सप्लाई पे हमारे ऊपर प्रेशर पड़ेगा. उतनी ही तेजी से सप्लाई भी बढ़नी चाहिए ना फूड सप्लाई की, फूड प्रोडक्ट्स की. तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा राइज होती है फूड सप्लाई से तो एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से हम परफेक्शन में नहीं पहुँच सकते. ठीक है, सो माल्थस ने क्या मेंशन किया था कि पॉपुलेशन जो है ना वो एक इकोनॉमी की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ इंक्रीज होती है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है जैसे ए स्क्वायर, ए प्लस वन का होल स्क्वायर, लाइक दिस, कि स्क्वायर की रेशियो में इंक्रीज होती है. जैसे ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर, ऐसे वन रेस टू द पावर ऐसे इंक्रीज होते हैं. दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नॉट दिस, दिस वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो माल्थस ने ये कहा था कि पॉपुलेशन जो है ना एक कंट्री की वो इंक्रीज होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रेट में, जिसे हम जीपी रेट कहते हैं, एंड डबल इटसेल्फ इन 25 इयर्स. ये भी माल्थस ने मेंशन किया था कि हमारी इकोनॉमी की जो पॉपुलेशन है वो 25 साल में डबल हो जाती है अपने के. अगर आज एक है तो 25 साल बाद वो दो हो जाएगी, उससे 25 साल बाद वो दो की डबल चार हो जाएगी, एंड सो ऑन आठ हो जाएगी, एंड सो ऑन इतने. और ऑन दी अदर हैंड अगर हम उसी पेज पे ग्रोथ रेट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स की या फूड सप्लाई की बात करें तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करती है, यानी कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह इंक्रीज होती है ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स. क्योंकि जितना, क्योंकि एक लैंड जो है वो इनइलास्टिक है. इनइलास्टिक का मतलब उसकी प्रोपोर्शन फिक्स्ड है. ये थोड़ी हम लैंड को इंक्रीज करते हैं. लैंड जो है एक इकोनॉमी में, अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया की जो लैंड है वो तो फिक्स रहेगी ना. तो वो कह रहा है ड्यू टू इनइलास्टिक सप्लाई ऑफ लैंड फूड के प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी जो ग्रोथ रेट है वो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट से कम होती है. और वो अगर 25 साल में एक है तो वो दो पाती है, दो से तीन, तीन से चार, एंड सो ऑन. वो कहते हैं ऐसे होती है. ठीक है, तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो मतलब ये माल्थस का ये कहना है कि फूड सप्लाई की जो ग्रोथ है वो कम होती है एज कंपेयर टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन इकोनमी. तो उनका ये कहना था दिस शोज दैट आफ्टर
200 ईयर्स, अगर मैं यहाँ बात करूँ 25 साल में ये है, फिर 50 में इतनी हो गई, 75, फिर 100, 125, 150, 175, 200, ऐसे करके अगर हम बात करें तो जहाँ 200 साल में पॉपुलेशन हमारी 256 है, वहीं फूड की सप्लाई सिर्फ 9 है। ये शो करती है कि पॉपुलेशन जो है वो ओवर है एंड वो इम्बैलेंस को क्रिएट कर रही है, यानी कि जितने पॉपुलेशन हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इज ग्रेटर देन फूड फूड ग्रोथ। दिस इज द मेन थिंग जो आपको याद होनी चाहिए। और इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था अपने फादर के परसेप्शन से बिल्कुल अपोजिट था। वो कहते थे ह्यूमन में रेस्ट्रेंट्स नहीं रखनी चाहिए, और माल्थस फेवर में थे कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को हमें कम करना चाहिए अगर हमें अच्छा सस्टेन रहना है और आगे ग्रो करना है तो। ठीक है, तो मूविंग अहेड, पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई के बीच में अगर मैं वैसे ही बताऊं कि इस माल्थस थ्योरी में क्या डिस्क्राइब किया गया, तो फर्स्ट वन है पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होना, कि रैपिड पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो एक्सीड कर जाती है फूड प्रोडक्शन सिस्टम से, जो कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में बात करी कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसकी जो स्पीड है ना वो फूड की प्रोडक्शन की स्पीड से बहुत ज़्यादा है। सेकेंड थिंग इज फूड की स्कार्सिटी, एंड इनएफिशियंट फूड सप्लाई ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज कैन लीड टू फेमीन एंड स्टार्वेशन। अब ये कह रहे हैं अगर मान लो पॉपुलेशन इसी ही स्पीड से बढ़ती रहे हर साल, और फूड सप्लाई अपनी स्पीड से बढ़ता रहेगा इसी अगले साल या हर एक साल में, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ इतनी ज़्यादा है फूड उसे कंप्लीट कर ही नहीं सकती। इसकी वजह से क्या होता है, फेमीन आ जाते हैं, स्टार्वेशन हो जाते हैं, लोग मरने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड। ठीक है, तो थर्ड थिंग है बैलेंसिंग एक्ट। तो माल्थस प्रपोज करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ को रेगुलेट करना चाहिए टू मेंटेन इक्विलिब्रियम विद द अवेलेबल फूड सप्लाई, कि जितनी फूड सप्लाई है उसी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन को हमें बैलेंस करना चाहिए, उसको रेगुलेट करना चाहिए कि हमें पॉपुलेशन अननेसेसरी या जिस स्पीड से बढ़ रही है उस स्पीड से नहीं बढ़ानी चाहिए, थोड़ा सा उसमें कंट्रोल करना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि माल्थस का ये था कि पॉपुलेशन ग्रोथ को हमें रेगुलेट करना चाहिए कि वो फूड सप्लाई की जो ग्रोथ है उससे थोड़ा सा इक्विलिब्रियम में आ पाए। तो अब बात आती है कि माल्थस ने मेजर्स क्या बताए कि कैसे हम कर सकते हैं ये चीज को। तो ही इज इन द फेवर ऑफ लेट मैरिज, कि मैरिज ही लेट करो। मॉरल रेस्ट्रेंट्स की मतलब पॉपुलेशन कम करने के लिए या कुछ भी है, ऐसे थिंग्स को यूज करें जिससे पॉपुलेशन ना बढ़े। सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ वॉलंटरी, अपनी मर्जी से अनमैरिड रहना। सेक्सुअली एब्सिस्टेंट और यूजली फॉर रीजनल, मतलब संन्यास ले लेना, लाइक दैट। एंड वो फेवर था, फेमीन्स आ रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, वॉर्स आ रहे हैं, इनके फेवर में दे, क्योंकि इनकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही थी, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही थी। फेमीन्स आ जाते हैं, दुनिया मतलब अपनी लाइफ खो देती हैं। तो ये सब चीज़ें जो थी वो पॉजिटिव वे में देखते थे माल्थस। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो आप अगर वैसे ही जनरल बताएं तो माल्थस किस दो चीजों के बारे में बात करने हैं पूरी अपनी थ्योरी में? एक तो वो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो हम एक जगह पॉपुलेशन ले सकते हैं कि एक पॉपुलेशन की बात हो रही है, दूसरी हो रही है फूड की, फूड सप्लाई की। अब यहाँ पे बात हो रही है पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन फूड कंपैरिजन में बहुत कम स्पीड से बढ़ रहा है। तो अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो ये ज्यादा स्टीपर होगा क्यों? ये कर्व जो माल्थस का है वो यूं स्टीपर क्यों होगा? क्योंकि हर एक इंक्रीज में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है ना वो फूड की ग्रोथ से ज्यादा मिलेगी। स्टीपर जब होता है जब इसमें ज्यादा ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, वहीं इसमें कंपैरिजन में बहुत कम हो रहा है। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा जिसमें पॉपुलेशन हमारी वाई एक्सेस पे, फूड सप्लाई हमारे एक्स एक्सेस पे, एंड दिस इज द माल्थुशियन कर्व।
इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक्सिस पे यही लो. अगर मैं एक्सिस पे अपोजिट करती हूँ, यहाँ पे मैं पॉपुलेशन ले रही हूँ और यहाँ पे मैं फूड सप्लाई ले रही हूँ, तो ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये लाइक ऐसे बढ़ेगा, इस साइड हो जाएगा कि इसमें कम इंक्रीज होगा और इधर ज्यादा होगा, तो वो फ्लैटर में बनाएंगे. ये डिपेंड करेगा हमारे एक्सेस पे कि हम कौन से एक्सेस पे क्या डिनोट कर रहे हैं. अगर आप नेट के लिए ही तैयारी कर रहे हैं माल्थुशियन थ्योरी में, तो जो मैं कंटेंट बता रही हूँ ये इनफ है. आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए कि माल्थुशियन की थ्योरी में उसने किस 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 चीज़ के बारे में बात करी है और क्या क्या बोला है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन. क्रिटिक्स, अब हर एक थ्योरी के क्रिटिक्स आते हैं जो बताते हैं कि इसमें क्या गलत है क्या सही है. तो फर्स्ट वन इज माल्थस कह रहे हैं कि हर 25 साल में एक कंट्री की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, जो कि एविडेंस इतना नहीं कह रहा. उनके पास एविडेंस नहीं है, बस उन्होंने एक अंदाजा सा लगा दिया कि हर 25 साल में हमारी पॉपुलेशन डबल होगी. ठीक है, तो इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है. सेकेंड, नैरो विजन टू इंग्लैंड. ये जो थ्योरी है ना कि पॉपुलेशन की ग्रोथ इज ग्रेटर देन फूड सप्लाई की ग्रोथ, ये जो चीज है ना ये इंग्लैंड के लिए सही है बिल्कुल. लेकिन ऐसी भी कंट्रीज है वर्ल्ड में जैसे अर्जेंटीना, यूएस, जहां पर फूड सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ती है एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन. तो ये भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. तो क्रिटिसिज्म में ये भी चीज आएगी कि वाई आर यू नैरोइंग योर विजन टू अ सिंगल कंट्री. अगर आपने चलो इंग्लैंड में ये चीज देखी भी है तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि पूरी दुनिया में सेम चीज हो रही है, बिकॉज अर्जेंटीना और यूएस ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर फूड सप्लाई की ग्रोथ पॉपुलेशन की ग्रोथ से ज्यादा है. नाउ इग्नोर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. इन्होंने माल्थस ने ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को कंसिडर ही नहीं किया. क्यों? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी फूड की प्रोडक्शन का जो इंक्रीजिंग परसेंटेज है वो भी हर साल बढ़ेगा. इट इज़ नॉट लाइक कि हम कोई एडवांसमेंट ही नहीं करेंगे. तो अगर पॉपुलेशन 10% से बढ़ रही है तो वी कांट से कि फूड प्रोडक्शन हर साल 2-2% से ही बढ़ेगी. अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए तो इट कैन रेज फ्रॉम 2% to 9% ऑल्सो. तो ये चीज को इग्नोर किया गया है. पेसिमिस्टिक अबाउट द यंग जनरेशन. माल्थस ने जो हमारी यंग जनरेशन है उसके लिए कुछ ऑप्टिमिस्टिक व्यूज नहीं दिए, कुछ अच्छा नहीं बताया. उन्होंने पेसिमिस्टिक कहा कि पॉपुलेशन का ग्रोथ का बस इन्होंने कंसीडर किया कि ये पॉपुलेशन बढ़ाना जो है वो गलत चीज है क्योंकि फूड की सप्लाई. इन्होंने ये नहीं बात करी कि यंग जनरेशन जो है वो बर्डन कैसे आएगी, वो बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है, फ्यूचर की ग्रोथ को बढ़ाती है. वही यंग जनरेशन ही आगे जाके हमारे लिए टेक्नोलॉजीज लाएंगी, नई नई नए नए जरिए खोजेंगे कि कैसे हम फूड की सप्लाई को बढ़ा सकें. तो जो माल्थस का जो अप्रोच था वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, पेसिमिस्टिक था अबाउट द यंग जनरेशन. ओके, सो नेक्स्ट, पॉपुलेशन इज मोर रिलेटेड टू टोटल वेल्थ एंड लेस टू फूड सप्लाई. अब बात करें जो पॉपुलेशन की जब बात आती है तो वो ज्यादा रिलेटेड है वेल्थ से, फूड सप्लाई से नहीं. अब आपने आज की जनरेशन में देखा होगा कि लोग कम बर्थ यानी कि कम अपने चाइल्ड प्रेफर करते हैं, मतलब एक चाइल्ड बहुत है उनके लिए. पहले लोगों के 5-5 बच्चे भी होते थे, उनसे भी ज्यादा होते थे. तो ये कह रहा है वेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करती है कि पॉपुलेशन कितनी होगी. ठीक है, फूड सप्लाई के ऊपर सोच के कोई भी नहीं करता. तो दिस इज द थिंग कि पॉपुलेशन जो है वो वेल्थ है. अगर कोई अच्छा है उसके पास वेल्थ अच्छी है तो वो पॉपुलेशन फिर भी सोचेगा चलो बच्चे पैदा कर लेते. अगर महंगाई ही इतनी ज्यादा है तो वो नहीं करता. तो पॉपुलेशन ज़्यादा वेल्थ से भी रिलेटेड होती है. फूड सप्लाई से हम इतना नहीं देखते जितना हम अपनी वेल्थ से देखते हैं कि हमें बच्चा पैदा करना है या नहीं. नाउ इग्नोर दैट द पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द, उन्होंने माल्थस ने उस टाइम पे ये बोला
कि पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत ज्यादा हो रही है, उस हिसाब से फूड की सप्लाई नहीं इंक्रीज हो रही। उन्होंने ये नहीं देखा कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो सिर्फ यूं ही ग्रोथ नहीं हो रही, वो इसीलिए भी ज्यादा दिख रही है क्योंकि डेथ रेट उस टाइम पे कम थे। अगर मैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बारे में बात करूं तो पॉपुलेशन कब इंक्रीज होगी? पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगी जब बर्थ रेट बहुत ज्यादा है और डेथ रेट बहुत कम है। तो उस फेज में ये वही टाइम था जहां पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा था और डेथ रेट कम था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही थी। बट ये हमेशा सेम नहीं रहता, कई बार होता है डेथ रेट बहुत ज्यादा है उसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज होते है। तो यहाँ पर इंक्रीज इन पॉपुलेशन का ये मतलब नहीं था कि बर्थ ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब ये था कि डेथ रेट कम हो रहे हैं। इस दिस इज ऑल्सो द रीजन फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो आप ये नहीं कह सकते कि बर्थ कंट्रोल करो, आप सेलिबेसी लो। दीज आर फेवरिंग, यानी कि माल्थस के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो फेवर में थे कि आप लोग बर्थ ज्यादा कर रहे हैं इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। बट यहाँ पर पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि डेथ रेट कम था। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? नाउ द लास्ट वन इज डेमोग्राफिक्स प्रूव्ड दैट व्हेन इनकम राइजेस पॉपुलेशन ग्रोथ फॉल्स। अब डेमोग्राफिक्स यही कहती है जब किसी बंदे की इनकम बढ़ जाती है तो उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाती है। जैसा कि हम आज के टाइम में देख रहे हैं, लोगों के पास यूं तो नहीं है कि उनकी अर्निंग नहीं है, इनकम वो बहुत अच्छी अर्न कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी प्रेफर करते हैं कि टू चाइल्ड की जगह हम तो वन ही प्रेफर करेंगे। तो दिस ऑल्सो शोज दैट कि वेन इनकम राइजेस पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो फॉल करती है। सो ऑल दीज पॉइंट सेज दैट कि जो माल्थस का अप्रोच था वो थोड़ा सा पेसिमिस्टिक था। वो सिर्फ पॉपुलेशन को कंसीडर कर रहे थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि यंग जो जनरेशन है वो आपके लिए टेक्नोलॉजी और आपकी कंट्री की ग्रोथ भी करेगी। वो ये नहीं देख रहे, बस उसे एज अ एक उन्हें ले रहे थे कि एज अ पर्सन हु विल कंज्यूम आर फूड। तो ही इज पेसिमिस्टिक अबाउट द यंग जनरेशन। और उन्होंने पॉपुलेशन का उन्होंने देखी वो चीज ठीक है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, बट इट इज नॉट ड्यू टू द इंक्रीज इन बर्थ रेट, इट इज ड्यू टू द डिक्रीज इन डेथ रेट। ठीक है। और थर्ड वन इन्होंने कहा इटसेल्फ अपने आप में 25 साल में पॉपुलेशन डबल होती है, जिसका कोई एविडेंस नहीं मिला। ये जो थ्योरी थी वो बेस्ड थी इंग्लैंड के ऊपर, तो इन्होंने और कंट्रीज को इग्नोर कर दिया। इन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में कुछ कंसीडर किया ही नहीं, उसको भी इग्नोर कर दिया। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुई थी। दिस इज इनफ, अगर आपको ये सब पता है तो और कोई ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सो आई होप कि आपको सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। एंड नाउ अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू आंसर यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।